जो नेवारी है, नेवारी में बहुत सारा न्यू रूट्स आ चुके हैं और जो पुराना रूट्स था उन सब हेल्दी हो चुके हैं। आपको शायद याद होगा जो स्टिक्स है, जो रूट का जो स्टिक्स है, मैंने एक साल पहले ऊपर का जो बिग ब्रांचेस है इस तरह सभी ब्रांचेस को रिमूव करना है, क्योंकि प्लांट का जो इंटेंशन था नेवारी को हेल्दी करना, उसका तकरीबन जो काम है हम लोग का, तो इतना ब्रांचेस को नहीं रखना है। ये थे एक साल पहले, तो स्टिक को भी आपको उठाना है, बहुत सारा स्टिक्स। प्रूनिंग के बाद जो मेरा बेनियन बॉन्साई है, रॉ मटेरियल है, बॉन्साई नहीं बोल सकते, को काफ़ी इस तरह का रुख आ चुके हैं और आगे जाके इसके ऊपर बहुत सारा रूट प्रूनिंग का काम होगा। को बनाने में किस तरह का काम मैंने किया था, उस अगर रिजल्ट आ चुके, आप पिछला जो एक साल पहले जो निभा था उसके साथ आप कंपेयर कीजिए। और नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मेरा जो बेनियन बॉन्साई है उसका पार्ट टू देने जाने वाला है, और पार्ट टू में हम लोग बताएंगे कि पार्ट वन में जो काम हम लोग किए थे उसके कारण इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है जो कि मैंने एक साल पहले डाला था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस पार्ट वन का वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं, ताकि आपको पार्ट वन और पार्ट टू में जो अंतर है वो पता चले। इस वीडियो में पार्ट टू का अपडेट दिखाने से पहले हम लोग पार्ट वन में जो काम किए थे उसका छोटा छोटा क्लिप्स में इसमें आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि प्लान पहले किस तरह था। लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है पार्ट वन, तो आपको पार्ट वन का वीडियो आपको देखना है। और इस पार्ट टू में हम लोग सिर्फ थोड़ा सा पार्ट वन का वीडियो क्लिप ऐड करेंगे, ताकि वीडियो देखने में आपको और भी मज़ा आए और आपको पता चले कि किस किस चेंजेस हुआ था, कौन सा काम हम लोग किए थे। पिछले साल नेवारी के ऊपर हम लोग काम किए थे कि थिन नेवारीज जो होता है, इस नेवारीज को थोड़ा ठीक करने के लिए, थोड़ा हेल्दी करने के लिए आपको क्या करना है, और इस तरह प्लांट का जो नेवारी है उसको डायरेक्शन ठीक करने के लिए आपको इस तरह का स्टिक का यूज़ करना है। आप देख सकते हैं इस तरह स्टिक से मैं जो थिन नेवारी से उनका डायरेक्शन भी दे रहा हूँ, और रूट्स को चारों तरफ इसको डायरेक्शन दे रहा हूँ, ताकि चारों तरफ से रूट्स निकले, क्योंकि रूट किसी जगह पर ज़्यादा है, किसी जगह पर कम है, तो इसीलिए आपको इस तरह का स्टिक से आपको रूट को डायरेक्शन देना है। और उसको देने के बाद जो कामों को करना है, इसी जो रूट्स को इस तरह स्टिक से डायरेक्शन देने के बाद आपको मिट्टी से इसको ढक देना है, ताकि रूट मिट्टी के अंदर चला जाए और एक साल डेढ़ साल के बाद रूट और भी हेल्दी और उसका आकार अच्छा बने। तो जब भी आप इस तरह रूट के ऊपर काम करें, तो रूट को ठीक करने के लिए इस तरह उसको मिट्टी से कवर कर दीजिए और इस तरह से व्यवस्था कीजिए, ताकि रूट को अपना आकार मिलने में बहुत ही आसानी हो। तो इस तरह काम आप अपने किसी भी तरह का बॉन्साई के ऊपर कर सकते हैं। स्पेशली जो बेनियन बॉन्साई है बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, और इस तरह प्लांट करने में बॉन्साई करने में बहुत टाइम लगता है। हालाँकि इस तरह बेनियन बॉन्साई का काम शुरू करने के लिए आपको तकरीबन 4 से 5 साल का वक्त हाथ में लेके आगे चलना है। मैंने भी शुरू की है, मेरा जो प्लांट है अभी तो सिर्फ 2 साल हुआ है और इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है, लेकिन आप चाहे तो इस तरह वीडियो शुरू से देख सकते, ताकि आपका काम में आए। और 2 साल में प्लांट बॉन्साई तो अभी तक बनी नहीं है, लेकिन एक बॉन्साई मटेरियल का आकार लेते जा रहा है, और तकरीबन 3 और 4 साल में नेक्स्ट इसमें जो आकार है बहुत ही आएगा। तो इस पार्ट टू में हम लोग बताएंगे कि नेवारी के लिए कैसा काम हम किए थे, उसका रिजल्ट भी कैसा आता है, और इसका जो ब्रांचेस है, पहले बहुत 4 ब्रांच को हम लोग काटे थे, और जो बाकी का ब्रांचेस था उसमें हम लोग वायरिंग किए थे, और वायरिंग करने के बाद जो प्लांट था कुछ इस तरह कंडीशन में आए थे। आप लोग देख सकते हैं केवल 4 ब्रांच था, बहुत ही थिन प्लांट था, और एक साल के बाद जब उसमें न्यू ब्रांचेस आना शुरू हुआ, इसका ग्रोथ दे सकते हैं, बहुत सारे न्यू ब्रांचेस आ चुके। देखिए जो ब्रांचेस पहले नहीं था, चॉपिंग करने के बाद जो न्यू ब्रांचेस आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। जो प्लांट का आप देख सकते हैं ब्रांचेस बहुत ही थिन है, और जो न्यू ब्रांचेस है वही मेरे लिए भरोसा है, अभी फिर मैं जाके इन सब ब्रांचेस के ऊपर काम करूँगा।
फ्रेंड्स वही बनियान ट्री है जिसके ऊपर तकरीबन एक साल पहले जो अपडेट दिया था। अभी प्लांट काफी बड़े हो चुके हैं और इस दौरान जो प्लांट में न्यू ब्रांचेस आए हैं उस तकरीबन सभी ब्रांचेस को रिमूव करना है और हम लोग देखेंगे कि ब्रांचेस को क्या क्या रूप में चेंजेस आए। जैसे कि नेबरी है, इसका जो नेबरी है, नेबरी में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं और इस तरह मिट्टी से ढकने के कारण जो इसमें चेंजेस आए हैं उन सब का हम लोग रिजल्ट देखेंगे किसा प्लांट और क्या क्या रूट में चेंजेस हुआ है वो सब हम लोग आज चेक करेंगे। प्लांट देखिए, प्लांट काफ़ी जो रूट है रूट में बहुत चेंजेस आ चुके हैं। स्पेशली जो स्टिक्स है जो एक साल पहले स्टिक दिए थे वो भी थे। हालांकि मिट्टी धुल गए लेकिन फिर भी जो रूट निखर के आए हैं, देखिए निबारी जो है बहुत ही खूबसूरत इसका स्ट्रक्चर बन चुका है और प्लांट का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही हेल्दी बन चुका है। मतलब कि ऊपर का बहुत सारे लोग पूछते कि मुझे गार्डनिंग में हेल्प कौन करता है, कौन मुझे हेल्प करता है इस सब करने में, क्योंकि अकेला इतना सारा वीडियो, इतना सब प्लांट का ख्याल रखना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो है राधिता, जो कि इस साल और पिछले साल मैंने दूसरा सिटी में था, उस दौरान दो साल तक मेरे साथ दूसरा एक दोस्त था छोटूदा था। छोटूदा को भी आप बहुत सारे वीडियो में देख चुके हैं। छोटूदा का आप अगर वीडियो नहीं देखा तो मैं एक झलक आपको दिखाता हूँ। और लेकिन इस सिटी में आने के बाद मेरा सिटी चेंज हुआ है, इस सिटी के आने के बाद जो मुझे हेल्प करता है इस तरह कामों में वो है राजूदा। सबको नमस्कार बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसके बिना गार्डनिंग का वीडियो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकेला इतना प्लांट का ख्याल रखना टेक्निकली इम्पॉसिबल है और बहुत सारे लोग बताते नहीं कि कौन हेल्प करता है करने में, और मुझे बहुत हेल्प करता है। अगर उनके बिना मेरा गार्डन नहीं चलेगा तो इसके लिए मैं उसको भी बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ सबके सामने। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा बन चुके हैं और आज सिर्फ ब्रांचेस को प्रूनिंग करेंगे, तो इतना ब्रांचेस को नहीं रखना है। और प्रूनिंग करने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा न्यू ब्रांच हम लोगों को मिला है, क्योंकि अगर मैक्सिमम ब्रांचेस होगा फ्यूचर में जाके उसी ब्रांचेस पर हम लोग जो रूट कटिंग करेंगे, और रूट कटिंग करने के बाद इसका चारों तरफ के रूट कटिंग करने के बाद अपने का इंतज़ार करें। लेकिन काफ़ी हेल्दी हो तो इस तरह प्लांट आप कटिंग कर सकते हैं रूट कटिंग। हालांकि इस वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है बहुत ही बड़े होते जा रहा है, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सा ब्रांचेस हुए थे। हालांकि जब एक साल पहले हम लोग प्रूनिंग किए थे तब केवल 4 ब्रांचेस था, और अभी देखिए तकरीबन 10-12 ब्रांचेस आ चुके हैं। इन सभी ब्रांचेस को नीचे हम लोग झुकाएंगे और उसके बाद इसमें से रूट कटिंग करेंगे। पिछले साल जो नेबरी का अपडेट है वो भी हम लोग देखेंगे, और जो ब्रांचेस प्रूनिंग किए थे उसके बाद भी आप देख सकते कितना सारा नया ब्रांचेस आ चुके हैं। एक साल के बाद प्लांट में पहले तकरीबन 4 या 5 ब्रांचेस था, बहुत सारा न्यू ब्रांचेस जुड़े हैं, उन सब का मैंने अभी प्रूनिंग किए हैं, और जो पुराना जो वायरिंग था उस सबको भी रिमूव करना है। तो इस तरह जितना भी वायरिंग है मैं सबको रिमूव करूँगा, और जितना भी पुराना ब्रांचेस था सभी जो वायर है हम लोग रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद हम लोग फिर से इन सभी ब्रांचेस में फिर से वायरिंग करेंगे और इसको चारों तरफ झुकाने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ रूट ग्राफ्टिंग का काम भी हम लोग शुरू करेंगे, जो कि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, आपको पार्ट 3 के लिए इंतज़ार करना होगा। पार्ट 3 में हम लोग बताएंगे कि किस तरह इस ब्रांच को अम्ब्रेला शेप देना है और रूट ग्राफ्टिंग करना है। जो नेवारी है, नेवारी में बहुत सारा न्यू रूट्स आ चुके हैं और जो पुराना रूट्स था उन सब हेल्दी हो चुके हैं। आपको शायद याद होगा जो से मैंने एक साल पहले इनको डायरेक्शन ठीक करने के लिए रूट का जो डायरेक्शन ठीक करने के लिए दिया था, आप देखिए एक साल के बाद वो स्टिक्स वही जगह पर है, लेकिन जो रूट है वो भी बहुत चेंजेस हो चुका है। जैसे कि इस तरह का स्टिक था हम दिए थे एक साल पहले, तो स्टिक को भी आपको उठाना है। बहुत सारा स्टिक्स था और जो रूट्स है आप देखिए रूट कितना है, कितना रूट जो है काफ़ी हेल्दी हो चुका है। आप देखिए इसको यहाँ पर काटे थे तो इधर से रूट निकला है। देखिए इस तरह का जो रूट्स है आप देखिए
छुपाने की कोई बात नहीं, जो चेंजेस हुआ है वही मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह रूट्स रूट से देखिए, रूट काफ़ी हद तक जो रूट है उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो चुका है। मतलब के इसके नीचे मैंने एक पत्थर भी रखा है इसके नीचे, और जब इसका रूट पुरिंग करेंगे तब उसको दिखाएंगे। लेकिन आज का वीडियो में उतना आगे तक नहीं जाएंगे, लेकिन तो क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, और मैंने पार्ट वन का भी जितना भी अपडेट था उसके सारा का सारा इसमें इंक्लूड किए है। उसके बारे में जो बाद में जो काम होगा इसमें होगा जो हैंगिंग रूट्स, तो हैंगिंग रूट्स आपको कैसे करना है बरसात के दिनों में वही मैं बताऊंगा, क्योंकि विंटर का अभी फेवरेबल चल रहा है तो इस दौरान उस तरह रूट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको प्लांट को बहुत जल्द हैंगिंग रूट बनाना है तो क्या करना है, उसके लिए आपको करना है रूट ग्राफ्टिंग। तो रूट ग्राफ्टिंग के बारे में एक स्पेशल वीडियो के बाद, जो मेरा बनियन बॉन्साई है, रॉ मटेरियल है, बॉन्साई नहीं बोल सकते, को काफ़ी इस तरह का लुक आ चुके हैं, और आगे जाके इसके ऊपर बहुत सारा रूट पुनिंग का काम होगा, रूट ग्राफ्टिंग का काम होगा, हैंगिंग रूट्स बनाने का काम होगा, इसका जो अम्ब्रेला शेप देने का काम होगा, बहुत सारा चीज़ बाकी है। लेकिन मेरा कोशिश जारी है, अगर आप रियली बिगिनर है, अगर आपको बॉन्साई शुरू से देखना है कि नर्सरी से एक रॉ मटेरियल खरीदने के बाद कैसे बॉन्साई शुरू किया जाए, तो आप इस तरह का वीडियो फॉलो कर सकते हैं। एक ख़राब दिखने वाला बॉन्साई है, लेकिन इसके बनाने का जो इच्छा है बहुत ही नेक है, और बहुत सारा चीज़ मैंने इंक्लूड की है। अगर आप रियली बिगिनर है तो आपको बहुत काम में आएगा। आप चाहे तो पार्ट वन देखिए, और पार्ट वन के बाद एक साल के बाद जो अपडेट दिया है उसको कंपेयर कीजिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह मेहनत इसमें डाल चुके हैं, और किस तरह का जो बात मैंने बोला था वो काम में आया कि नहीं आया है, जिस तरह के निवारी को बनाने में किस तरह का काम मैंने किया था, उसका जो रिज़ल्ट आ चुके। आप पिछला जो एक साल पहले जो निवारी था उसके साथ आप कंपेयर कीजिए, और इसके जो नया नया ब्रांचेस के लिए जो मैं किया था वो भी आ चुके हैं। अभी बहुत सारा काम बाकी है, और मैं आशा रखता हूँ कि अगले 5 साल में इसका लुक जो है एक अच्छा देखने वाला बॉन्साई होगा, और मेरा कोशिश जारी है। आप लोग साथ में रहिएगा, और मैं आशा रखूँगा कि आप इस तरह का वीडियो में अपना कॉमेंट रख के आपका जो ओपिनियन है उसको भी शेयर कीजिए। मुझे काफ़ी कुछ इसमें सुधार लाना है, मैं आपका जो हेल्प आशा रखता हूँ कि आप लोग मुझे हेल्प कीजिए इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।